वेलकम टू द चैनल। और आज मैं दिखाऊंगा आपको कि मैविक मिनी को कैसे खोलते हैं घर पे। और खोल मैं इसलिए रहा हूँ अपने मैविक को क्योंकि मेरा ड्रोन गिर गया था चिटकुल में, पता नहीं कैलिब्रेट नहीं हुआ था या हो सकता है माइनस में 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे, तो कैलिब्रेशन में भी दिक्कत हो सकती है। तो वो जस्ट टेक ऑफ हुआ और सीधा 10 फुट नीचे पिलर से गिर गया था। मैं उसको एक्चुअली पिलर पर रख के उड़ाना चाह रहा था, गलती मेरी भी थी, कैलिब्रेट भी किया था लेकिन शायद वो कैलिब्रेट नहीं हुआ था। इस भाई साहब को करेंगे पूरा खोल के, ये देखो इसका ये गिम्बल टूट, प्लास्टिक का जो ब्रैकेट है ना इसका, ये टूट गया है। तो इसको निकाल के गिम्बल को और फिर इसको चिपकाने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली बात किया था इसके बारे में, तो दिल्ली अभी चल रहा है लॉकडाउन का टाइम, तो मैंने कुछ वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे, तो देखा कि काफ़ी आसान है, अगर हो गया तो वेल एंड बेस्ट है, नहीं तो फिर दिल्ली जाके ही इसकी जो ब्रैकेट है गिम्बल वाली उसको हम दिल्ली से रिपेयर कराएंगे। आज ट्राई कर रहे हैं, या तो ठीक हो जाएगा और या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी इसको करते हैं ओपन, और ये कुछ हथियार हैं, एक छोटा सा लाइनर है बिल्कुल पतला सा, और एक ये स्टार स्क्रू ड्राइवर, और अपना ये लेदर मैन है मेरे पास, और एक ये प्लकर है। तो आओ खोलते हैं मैविक मिनी और करते हैं कोशिश इसको रिपेयर करने की, और या तो ड्रोन नया आएगा तो कोशिश करते हैं इसको, अगर ये गिम्बल ब्रैकेट अगर चिपक गया तो बेस्ट है, नहीं तो गिम्बल ब्रैकेट दिल्ली से लॉकडाउन खुलने के बाद ही करवाऊँगा। तो अभी ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसका, ये टूटा हुआ है नीचे से, तो अभी इसको करते हैं खोलते हैं। सबसे पहले तो इसकी बैटरी निकालूंगा, उसके बाद देखते हैं यहाँ से, ये नहीं लग रहा ये वाला, और इसके जो स्क्रूज़ है ना वो काफ़ी छोटे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर ही आप अपना स्क्रू ड्राइवर सेट लेके आए, नहीं तो अगर ये ख़राब हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। चार निकल गए, तो अब इसके बाद ये यहाँ से इसमें लॉक्स हैं, ये इसके अंदर, तो ये देखो ये इसका शायद सीपीयू है, तो इसमें भी रबड़ के वो दे रखे हैं गुटके से, तो ताकि ये वाइब्रेशन वगैरह हो तो ये ख़राब ना हो। ये इसके अंदर क्या है भाई, ये एक पैनल है इसका, और मेन चीज़ ही ये अपना गिम्बल जो ये टूटा हुआ है। तो अभी निकालता हूँ गिम्बल को यहाँ से, ये जो ये देख सकते हो आप, ये जो रबड़ के गुटके हैं ना इनको निकाल लूँगा, उसके बाद इसको बाहर निकाल के चिपकाऊँगा क्योंकि इधर से लगाने में दिक्कत हो रही है, और प्रॉपर सेट करेंगे इसको। तो देखता हूँ, भगवान ने चाहे तो घर पे ही ठीक हो जाएगा ना, तो करते हैं इसको यहीं की यहीं ठीक। बैटरी निकाल दी इसमें, मेमोरी कार्ड है इसमें, मेमोरी कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर निकाल देते हैं कोई नुकसान नहीं है, निकाल दिया, चल भाई साइड हो गया। और ये अपना छोटा सा नुनू, चलो भाई निकल जाओ, एक दो तीन, ये निकालना बहुत आसान है यहाँ से एयरबड, लेकिन डालने में उतनी ज़्यादा मेहनत होगी इसमें, मेरे को जैसे लग रहा है इतना सॉफ्ट है ये। ये लो जी निकल गया अपना गिम्बल, और जस्ट ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा को चिपकाएंगे अभी, ये देखो कैसे कैसे हो रहा है, इसको अभी चिपकाते हैं। तो अभी भाई धर्मेंद्र आया है हेल्प के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बारीक काम है,
बस तो एक बांस की तीली से इसको एल्फी लगा रहे हैं धीरे धीरे। इसके सारा लगा ले। नहीं 1 मिनट ज़्यादा मत डाल दिए, बैठ ही नहीं नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि एल्फी कितनी चलती है, नहीं तो फिर दिल्ली लॉकडाउन के बाद ही रिपेयर होगा अभी ये। तो अभी निर्देश आए हैं एल्फी ज़्यादा नहीं लगानी, नहीं तो काम नहीं करेगी। हाँ दोनों उल्टी चली गई। और अच्छा हाँ बहुत अच्छा, एक टपका और चाहिएगा उस साइड के लिए, उस साइड के लिए। तो देख नुन्नू को रिपेयर कर दिया गया है, तब तक हम पीते हैं चाय। लेंगे, यहाँ से चिपका दिया है और अब इस पे लगाएंगे थोड़ा सा डबल टेप, और डबल टेप के बाद इस पे दोनों साइड से, और दोनों साइड से इसको, ताकि ये फॉर्मिंग टाइप में है ना डबल टेप, तो दोनों साइड से इस पे लगा देंगे एल्फी। तो ये 5 पैसे की चीज़ शायद 5 हज़ार या 10 हज़ार हमारे बचा देगी। तो अब हमारा ड्रोन शायद 249 ग्राम का नहीं रहेगा, शायद 250 ग्राम का हो गया। लॉकडाउन में ऐसे काम करते रहना चाहिए आदमी को, क्यों भाई साहब? बिल्कुल हाँ, जितने भी अपने घर के काम है घर पे ही करो। बिल्कुल ड्रोन के लिए भाई से बात करी थी, बब्बू संधू से, बब्बू संधू का पूरा पूरा वेलकम था। तो अब इसको वापस सिक्योर करते हैं ड्रोन को, और ये देखो हमारा गिम्बल हमने कामयाब कर दिया। वाह वाह मेरे लड़के, इसको बाहर ले जाते हैं गली में और इसके हाइट वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, कितना ड्रोन शॉट कैसा आ रहा है। छोटा ड्रोन शॉट भी मिल जाएगा और इसकी रेंज पूरी चेक हो जाएगी। मिलते हैं ड्रोन शॉट पे।